सकारात्मक सोच व्यक्ति को महान बना देती है। क्या गौतम ऋषि के जीवन में शिक्षा का अभाव था जो अपनी पत्नी को पत्थर बना दिया? ये तपस्या का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? गुरुदेव मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, एक तपस्वी अपनी पत्नी को पत्थर बना दे? विश्वामित्र जी ने कहा, राम गौतम ऋषि के व्यक्तित्व पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। गौतम ऋषि वास्तव में तपस्वी हैं, लेकिन ये शब्द इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अहिल्या से एक भूल हो गई। तो श्राप देकर के गौतम से भूल नहीं हुई, इसका मतलब है अहिल्या से भूल हुई। विश्वामित्र जी ने कहा, अहिल्या जी से भूल हुई है। क्या भूल हुई है? कहा, पहले तो देखो कंडीशन क्या है तब बतावे। क्यों भाई? पहले तो उस स्थान का निरीक्षण किया जाए जिस स्थान पर घटना घटी, तब जो पहले स्थान देखा जाए कि जिस स्थान पर घटना घटी, इसके बाद उस पर टिप्पणी की जाए, उस पर प्रतिक्रिया की जाए और विस्तार पूर्वक प्रतिक्रिया होनी चाहिए। लेकिन राम मेरा मन है कि एक बार उस घटना स्थल को तो देख लो जहां घटना घटी। भगवान राम ने कहा कि आपका आदेश है तो चलें। गोस्वामी जी कहते हैं, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। भगवान राम को वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी महाराज जैसे ही गौतम ऋषि के आश्रम में ले गए तो वहां आश्चर्य देखा कि खग मृग जीव जंतु, वहां से सब पलायन कर गए, कोई था ही नहीं। वृक्ष जितने भी थे, बड़े बड़े वृक्ष थे, लेकिन सब सूख गए थे, उनकी हरितमा समाप्त हो गई थी। आश्चर्य हुआ सुनकर और देख के और आश्चर्य हुआ। पहले तो सुन के ही आश्चर्य हुआ था, देख के तो अब और बड़ा आश्चर्य हो गया। कहा, गुरुदेव देखने से लगता है कि प्रकृति भी पलायन कर गई, और जब प्रकृति पलायन कर जाती है तो महाप्रलय की स्थिति बन जाती है। प्रकृति जब असंतुष्ट हो जाती है तो महाप्रलय होने लगता है। यहां तो प्रलयंकारी दृश्य दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो मेरा मन भी बेचैन हो गया। अच्छा बोलो, राम जी के नाम लेने मात्र से चैन आ जाता है? क्यों, आता है कि नहीं आता है? सुखी मीन जहां नीर अगाधा, और जिम हरि शरण न एको बाधा। प्यारे, जिम हरि शरण न एको बाधा, भगवान का नाम लेने से कोई बाधा नहीं रहती, और भगवान की शरण में पहुंच जाओ तो कभी बाधा आती नहीं। लेकिन आज भगवान स्वयं पहुंच गए तो भगवान को ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बेचैनी पैदा हो गई। इसका मतलब है घटना बड़ी घट गई, साधारण घटना नहीं है। जो भगवान को बेचैन कर दे वो घटना साधारण हो सकती है क्या? एक लंका में घटना घटी थी, लक्ष्मण के शक्ति लगी थी, तो बोलो भगवान उस समय बेचैन हुए थे कि नहीं? एक घटना घटी थी नासिक में, सीता जी का हरण हुआ था, भगवान बेचैन हुए थे कि नहीं हुए थे? बोलो,
अयोध्या में घटना घटी, महाराज दशरथ का मरण हुआ, भगवान बेचैन हुए। पंचवटी में सीता जी का हरण हुआ, भगवान बेचैन हुए। लक्ष्मण जी के शक्ति लगी, भगवान बेचैन हुए। बोलो भाई, हुए कि नहीं? मुझे लगता है कि इससे पहले तो भगवान जब मिथिला जा रहे थे तो गौतम ऋषि के आश्रम में बेचैन हुए। इतने बेचैन हो गए कि पूछने लगे, गुरुदेव बताइए ना कि ये घटना कैसे घटी। का थोड़ा और आगे बढ़ो। भगवान ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहे हैं त्यों त्यों उदासीनता सी आ रही है। का ये वृक्ष सूख गए, यहां पक्षी पलायन कर गए, गौतम ऋषि भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहां तो उजड़ा हुआ आश्रम कोई है ही नहीं। मैं एक बात कहता हूं, चाहे घर हो चाहे आश्रम हो, जब तक घर में उपासना होती रहेगी, घर में प्रकृति और परमात्मा दोनों का स्वरूप रहेगा। समाज में उपासना जब तक होती रहेगी, प्रकृति और परमात्मा दोनों का ही स्वरूप देखने को मिलेगा। आश्रमों में जब तक उपासना होती रहेगी, प्रकृति और परमात्मा दोनों का स्वरूप देखने को मिलेगा। लेकिन प्यारे, चाहे घर हो चाहे आश्रम हो, चाहे समाज हो चाहे राष्ट्र हो, जब वासना का स्वरूप आ जाता है, वासना जब प्रवेश कर जाती है, तो उपासना रोने लगती है और प्रकृति और परमात्मा दोनों ही उस स्थान से पलायन कर जाते हैं। एतावता वह स्थान शून्य हो जाता है और स्मशान का स्वरूप धारण कर लेता है। बोलो, कर लेता है कि नहीं? आज जहां वृक्ष सूख गए हों, पक्षी उड़ गए हों, मैं कहता हूं स्मशान से भी बदतर स्थिति हो गई। कम से कम आज स्मशान पर भी तो वृक्षारोपण हो रहा है। क्यों भाई, हो रहा है कि नहीं? और वो उस स्थान जहां व्यक्ति शांत और सौम्यता लेकर के जाता है, जहां शत्रुता नष्ट हो जाती है, जहां व्यक्ति जीवन में सांसारिकता से शून्य हो जाता है, केवल परमात्मा का ही चिंतन करता है, उस स्थान पर भी ऐसा वातावरण आज बनाया जा रहा है वृक्षों वृक्षारोपण करके, कि यहाँ का वातावरण ऐसा बन जाए वृक्षों के द्वारा कि आने वाले व्यक्ति को कम से कम शीतलता का अनुभव हो। जब कभी कोई घटना ऐसी घट जाती है, जिंदगी का अंतिम दिन किसी के जीवन में आता है, तो उसके साथ जो चलते हैं लोग, वो इतने उदास हो जाते हैं, इतने उदास हो जाते हैं कि अंदर से दाहकता आ जाती है। बोलो, आ जाती? नहीं, अंदर से दाहकता आ जाती, उसका अनुभव होने लगता है और पता नहीं क्या क्या व्यक्ति सोचने लगता। लेकिन वृक्षों से वातावरण पवित्र हो जाता है। प्यारे, वृक्ष हमें सुंदर स्वच्छ वायु देते हैं, वृक्षों में परमात्मा का वास है, इसलिए वृक्षों को साधारण नहीं समझना चाहिए। लेकिन आज इस आश्रम से वृक्षों ने जवाब दे दिया है, इसका मतलब है ये आश्रम बहुत ही अधिक प्रभावित हो गया और इस आश्रम में बड़ी से बड़ी घटना घटी है। आप घटना के बारे में बताएं। का थोड़ा और बढ़ो राम। जय श्री राम जी। और आगे बढ़े, देखा, दृष्टि गई उस पत्थर की शिला पर। जैसे ही पत्थर की शिला को देखा, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषय की। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषय की। सकल कथा मुनि कही विषय की, पूछी शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषय की।
सकल कथा मुनि कही। सकल कथा, कथा कह दी। अच्छा एक बात बताओ, पत्थर की है अहिल्या, श्रापित है, आश्रम का स्वरूप बिगड़ गया, उस अहिल्या के परिचय के साथ में कथा होगी कि व्यथा? हमारी समझ में तो व्यथा होगी, क्योंकि जब जीवन में किसी व्यक्ति के दोषों की चर्चा हो जाए समाज में, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन की व्यथा शुरू हो गई। और किसी के व्यक्तित्व की चर्चा, सद्गुणों की चर्चा समाज में होने लगे, हर चौराहे पर होने लगे, समझ लेना चाहिए उसके जीवन की सुंदर कथा शुरू हो गई है, क्योंकि लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सकल कथा मुनि कही विषय की। इसका मतलब है कि अहिल्या जी के गुण बताए हैं कि दोष बताए? तो मुझे तो लगता है कि दोष ही दोष तो दिखाई दे रहे हैं कि गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, लेकिन भूल क्या हुई है? जरा उस भूल का वर्णन तो हो जाए, समझ में तो आए कि भूल क्या हुई है जो श्राप मिला। भूल ये हुई है कि इंद्र ने अहिल्या के ऊपर आक्रमण किया, तो भगवान राम ने कहा यह भूल इंद्र की है। कोई व्यक्ति किसी नारी के ऊपर आक्रमण करे तो ये नारी की भूल मानी जाएगी कि पुरुष की भूल मानी जाएगी? बोलो भाई, ये तो पुरुष की भूल है, इसमें अहिल्या की कोई भूल नहीं, इंद्र की भूल है। इसलिए इंद्र को दंडित होना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा इंद्र भी दंडित हुआ है इस घटना में, और अहिल्या भी दंडित हुई, लेकिन अहिल्या की क्या भूल है ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। विश्वामित्र जी ने कहा अहिल्या की भूल ये है कि जैसे वृंदा के साथ छल हुआ, नारायण आपके द्वारा ही छल हुआ, लेकिन वृंदा जब समझ गई तो उसने विरोध किया कि नहीं किया? प्रतिक्रिया की, विरोध किया। इसका मतलब है कि वृंदा के द्वारा अगर विरोध दर्ज हो गया है तो वृंदा असहमत है। बोलो असहमत है कि नहीं? लेकिन अहिल्या के द्वारा इंद्र का विरोध नहीं हुआ। वृंदा ने श्राप स्वयं दिया था नारायण को, इंद्र को श्राप देना चाहिए था अहिल्या को। गौतम का विषय तो वाद का था, क्यों भाई? श्राप किसके द्वारा मिलना चाहिए था इंद्र को? अहिल्या के द्वारा। लेकिन अहिल्या के द्वारा श्राप नहीं मिला इंद्र को, इंद्र को श्राप मिला है गौतम ऋषि के द्वारा, और गौतम ऋषि के द्वारा ही अहिल्या को श्राप मिला, गौतम ऋषि के द्वारा ही इंद्र को श्राप मिला, इसलिए दोनों दंडित हुए। भगवान राम ने कहा गुरुदेव अहिल्या जी ने विरोध क्यों नहीं किया? विश्वामित्र जी ने कहा राम बात यह है कि जब गौतम ऋषि के साथ अहिल्या जी का विवाह नहीं हुआ था, उसके पहले से ही अहिल्या जी प्रभावित थी इंद्र से, और एक बार इंद्र जब ब्रह्मा जी के पास गया तो अहिल्या जी इंद्र को देख करके प्रभावित हुई, और ब्रह्माणी ने उसी समय ब्रह्मा जी से कहा कि अहिल्या का विवाह इंद्र से कर दिया जाए। ये ब्रह्माणी ने कहा था, क्योंकि इंद्र वैभवशाली है, 33 करोड़ देवताओं पर आधिपत्य है, स्वर्गाधिपति है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही वैभववान है, बड़ा ही प्रभाववान है,
इसलिए कोई कमी नजर नहीं आ रही है। आप जो है अपनी बेटी का विवाह है, क्योंकि ये ब्रह्मा की बेटी है। किसकी बेटी है? ब्रह्मा की बेटी है। इल्या का विवाह कर दिया जाए इंद्र से, मेरा तो यही सुझाव है। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, हम तुम्हारे सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकते। ब्रह्माणी ने कहा कमी क्या है? जब बेटी का विवाह करना होता है तो पति पत्नी दोनों पहले सलाह करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन सलाह में दोनों की सहमति होनी चाहिए। जब दोनों विवाह पर सलाह करें बेटी के, तो सहमति हो जानी चाहिए। लेकिन अगर एक पक्ष सहमत है और दूसरा असहमत है तो फिर विचार करना चाहिए पुनः। यहां ब्रह्माणी तो सहमत हैं, लेकिन ब्रह्मा जी सहमत नहीं। अच्छा, ब्रह्मा जी क्यों नहीं है सहमत, ब्रह्माणी क्यों सहमत है? ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं। ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं। ब्रह्मा जी इसलिए नहीं है सहमत क्योंकि इंद्र वैभववान तो है, इंद्र स्वरूपवान तो है, लेकिन इंद्र चरित्रवान नहीं है, इसलिए ब्रह्मा संतुष्ट नहीं है। आप कहोगे महाराज आप इंद्र के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, आपका बहुत बड़ा साहस है। मान लीजिए आज इंद्र आ जाता यहां तो आपके खिलाफ आवाज भी उठाता और प्रतिक्रिया भी करता। सुनो मेरी बात, इंद्र हमारी बात सुन रहा होगा। और मैं ये क्यों कहूं कि इंद्र यहां नहीं है, इंद्र है यहां। अरे स्वर्ग में तो एक ही इंद्र, बंबई में तो इंद्र ही इंद्र। स्वर्ग में एक ही इंद्र, बंबई में इंद्रों की कमी है क्या? बोलो भाई, ये तो माया की नगरी है। बोलो है कि नहीं? लेकिन मैं इंद्रों से डरता नहीं हूं, मैं साधु हूं, फक्कड़ हूं, महात्मा हूं, कहने में कभी चूकता नहीं हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, इंद्र के व्यक्तित्व पर तो मानस में टिप्पणी आ चुकी है। आप कहोगे स्वामी जी क्या टिप्पणी है? ऊंच निवास नीच कर तूती, ओ देख न सकई पराई विभूति। अब बताओ, ये बात मैं कह रहा हूं कि तुलसीदास जी मानस में कह रहे हैं? और तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप कह रहे हैं, तुलसीदास जी बोले हमसे तो कहलवाया जा रहा है। तो बोले आपसे कौन कहलवा रहा है? बोले भगवान शंकर। अब बताओ इंद्र क्या भगवान शंकर को चैलेंज देगा? और सुन लीजिए, भगवान शंकर से जब पूछा गया कि आपने तुलसी से क्यों कहलवा के लिखवाया, भगवान शंकर बोले हम क्यों कह रहे, सरस्वती कह रही थी और मुंह पर कह रही थी, पीठ पीछे नहीं कह रही थी। तो इंद्र से कहा कि सरस्वती डायरेक्ट बोल रही है, ऊंच निवास नीच कर तूती, तो आप विरोध क्यों नहीं कर रहे? इंद्र बोला ऐसा है कि महिलाओं के मुंह ज्यादा लगना नहीं चाहिए। सुनने में ही सार है। और सरस्वती से कहा कि आपने क्यों ऐसा कहा? सरस्वती बोली मैं मिथ्या नहीं बोलती हूं, गलत नहीं बोलती हूं, अनुचित नहीं बोलती हूं, जो बात सही है वो मैंने कह दी। अब इस पर कोई टिप्पणी करने लग जाए मेरे ऊपर तो मुझे इस बात की चिंता नहीं है, सरस्वती जी ने भी कह दिया। वाह, इससे सिद्ध हो गया कि इंद्र के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घट गई हैं कि जिस घटनाओं के कारण इंद्र पूरी तरह से दुष्प्रचारित हो गया। हो गया कि नहीं हो गया भाई? दुष्प्रचारित हो गया।
एक घटना ऐसी गौतम ऋषि के आश्रम में आज घटी है जिसका वर्णन विश्वामित्र जी कर रहे हैं भगवान राम से, सुना रहे हैं राम जी को। तो ईमानदारी से बताओ, ये घटना निंदनीय है कि नहीं, कि अहिल्या जी को प्रभावित कर दिया इंद्र ने। लेकिन ब्रह्मा तैयार क्यों नहीं हुए? ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए कि मैं बुद्धि का देवता हूं और मेरी बेटी भी बुद्धि का ही प्रतीक है। मेरी बेटी भी बुद्धि का ही प्रतीक है। क्यों भाई? माँ बाप के संस्कार बेटी में आ जाते हैं और बेटों में भी आ जाते हैं। आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? हाँ। और कुछ संस्कार यदि ऐसा विचार किया जाए कि कभी कभी माँ बाप से पृथक लक्षण संतान में देखने को मिलते हैं, तो वो संतान जन्म के साथ अपना प्रारब्ध लेकर के आती है, इसलिए वो प्रारब्ध उसे विवश कर देता है। प्रारब्ध उसे विवश कर देता है। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ना कभी ऐसा करूंगा, ना ऐसा होगा, इंद्र से विवाह नहीं करूंगा अपनी बेटी का, अपनी बेटी का विवाह करूंगा किसी योगी से, तो उसका श्रेष्ठ है। तो ईमानदारी से बताओ, वैभव भी नहीं होगा तो उसका वैभव बन जाएगा, बोलो बन जाएगा कि नहीं? और यदि चारित्रिक पतन उसके जीवन में होगा तो बना हुआ वैभव भी समाप्त हो जाएगा प्यारे, उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए जो घर वर कुल होए अनुपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर वर कुल ये अनुरूप होना चाहिए। तो जो घर वर कुल, घर का अर्थ ये नहीं होता है कि आलीशान हवेली बनी हो, आलीशान हवेली बनी हो ये घर अच्छा, नहीं नहीं, वह घर अच्छा है जिस घर में अच्छे लोग रहते हो, चरित्रवान लोग रहते हो, धार्मिक लोग रहते हो, सामाजिक सद्भाव वाले लोग रहते हो, जिनके जीवन में भगवत प्रपत्ति हो, भगवान के प्रति समर्पण हो, राष्ट्र के प्रति समर्पण हो, अच्छी सोच हो, समाज सेवा का संकल्प हो। ईमानदारी से बताओ, वही घर अच्छा माना जाता है कि नहीं? वो घर अच्छा नहीं माना जाता कि दीवारें ऊंची ऊंची हैं लेकिन अंदर रहते हैं खरदूषण, तिसरा बाली, वो घर अच्छा नहीं माना जाता है? बेटी का विवाह दीवालों से नहीं करना है कि हवेली की ऊंची ऊंची दीवालें देखो, तो बेटी का विवाह दीवालों से नहीं होता है, बेटी का विवाह तो चरित्र से होता है। हमें चरित्रवान का वर्ण करना है, हमारी बेटी एक चरित्रवान के हाथ में जाए, क्योंकि चरित्रवान के हाथ में जाएगी मेरी बेटी तो मर्यादा ही मर्यादा देखने को मिलेगी, और जिस चरित्रवान के जीवन में मर्यादा होती है वही समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में पहचाना जाता है। इसलिए हमारा दामाद राम जैसा मिले, क्यों भाई बोलो? इससे बड़ा सुख को जिंदगी का दूसरा होगा? इससे बड़ा जिंदगी का दूसरा सुख नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। रुपया पैसा आपने बैंकों में भर रखा है, आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद रखी है, आपने व्यापार केवल मुंबई में ही नहीं, आपने तो अन्य देशों में भी अपना व्यापार बढ़ा दिया है, ठीक है, ये आपका प्रयास और परिश्रम है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी सकारात्मक सोच कितनी बढ़ाई जीवन में, इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा। आपकी अच्छी सोच बढ़नी चाहिए, आपका विचार स्वच्छ होना चाहिए। अगर आपके जीवन में स्वच्छ विचार, सुंदर संस्कार हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं यही संस्कार आपको इतना महान बना देगा, इतना महान बना देगा कि सारी दुनिया आपको परवरदिगार समझ लेगी कि हमें तो इसी दुनिया में भगवान मिल गया। बोलो सोचेगी दुनिया कि नहीं? सोचने के लिए विवश हो जाएगी कि नहीं दुनिया? संपत्ति का प्रभाव राजाओं के जीवन में देखा गया,
खजाना अपरिमित देखा गया, ऊंचे ऊंचे किले देखे गए, लेकिन आज ऊंचे ऊंचे किलों पर घास खड़ी हुई है। बोलो खड़ी है कि नहीं? राजाओं के ऊंचे ऊंचे किलों पर घास खड़ी है। पुरातत्व विभाग ने अगर अधिग्रहण कर लिया है तो आज पुरातत्व भी समय से मेंटेन नहीं कर पा रहा है। क्यों भाई? वो सनई 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 धीरे धीरे मेंटेन कर रहा है, लेकिन पुरातत्व भी परेशान है कि इस वर्ष हमने इस क्षेत्र का मेंटेन किया, दूसरे क्षेत्र में जब लगे उसके किले के दूसरे भाग को संभालने में लगे तो तीसरे भाग में घास खड़ी हुई नजर आने लगी। घास वो पिंड नहीं छोड़ रही है। सोचो जरा, ये घास बताती है कि इन किलों के अंदर केवल संपत्ति रहती थी, भगवान की भक्ति नहीं रहती थी। इसलिए आज घास प्रमाण दे रही है कि हम देखो शिखर पर बैठ करके सारी दुनिया को ये बता रहे हैं कि आज संपत्ति खाक हो गई और घास बन गई। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे संत एक झोपड़ी में पैदा हुए थे। महलों में हुए थे कि झोपड़ी में हुए थे? बोलो, झोपड़ी में हुए थे। संपत्तिवान परिवार में जन्म लिया था कि सामान्य परिवार में लिया था? सामान्य परिवार में। लेकिन याद रखना, चरित्र की पराकाष्ठा पर संत तुलसी पहुंचे तो तुलसी के जाने के बाद भी, उन राजाओं के जाने के बाद जिस अकबर ने तुलसीदास जी का विरोध किया था, दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा की धारा एक नारा लगाया था कि जो दिल्ली का ईश्वर है वही जगदीश होगा। समझ रहे हो? जो दिल्ली का राजा है वो क्या होगा? ईश्वर होगा। दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा की धारा को प्रवाहित करने वाला अकबर, लेकिन संत तुलसी झोपड़ी के अंदर पैदा हुए, निकल के बाहर आए। उन्होंने संपूर्ण दुनिया को यह संदेश दिया कि जो अकबर ने दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा की धारा बहाई है, उस धारा में बहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया वालों, धारा में मुर्दा बहता है, जिंदा तो धारा को चीर के किनारे पर आ जाता है। धारा में मुर्दा बहता है, जिंदा तो धारा को मोड़ता है। और तुलसी ने कहा, इतना मोड़ो धारा को, इतना मोड़ो धारा को कि वही धारा राधा बन करके श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित हो जाए। धारा को इतना मोड़ो, इतना मोड़ो। और तुलसी ने धारा को मोड़ा तो आज तुलसी के ग्रंथ पर बोलो मालाएं चढ़ रही हैं कि नहीं? फूल मालाएं। देखो तुलसी फूल आज बोलो सम्मान ग्रंथ को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यह है चरित्र। यह क्या है? चरित्र। और संपत्ति का प्रभाव ऊंचे ऊंचे किलों पर आज घास खड़ी है, झाड़ झक्काड़ दिखाई दे रहे हैं। बोलो दे रहे हैं कि नहीं? इसको कहते हैं हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा पतन का स्वरूप कि हमने भक्ति से मतलब नहीं रखा, हमने सिद्धांत से मतलब नहीं रखा, केवल सुविधा की जिंदगी जी है, महलों के अंदर सुविधा की जिंदगी जी है। उसकी परिणति ये है कि आज महल छोड़ करके हमें जाना पड़ा, लेकिन महलों के ऊपर भी घास दिखाई दे रही है, महलों के ऊपर उदासीनता छाई हुई है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं योगी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा, इंद्र के साथ नहीं, क्योंकि ये सुविधा भोगी है और हमें योगी की जरूरत है। जब तलाश की ब्रह्मा ने तो बहुत बड़े योगी मिल गए। उनका नाम क्या है? क्या नाम है? गौतम। वैसे हम सब जितने भी यहां बैठे हैं, बोलो ऋषियों की संतान है कि नहीं? ऋषियों की संतान है। गौतम ऋषि की संतान, किसी का गौतम गोत्र भी होगा, गौतम की संतान भी होंगे बहुत से लोग, वशिष्ठ गोत्रीय हैं, कश्यप गोत्रीय। ऋषियों की संतान, ऋषियों के नाम से हमारा गोत्र है, भरद्वाज गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, कश्यप गोत्र।
आप कहोगे स्वामी जी इसके आगे क्या हुआ, आगे तो बहुत महत्वपूर्ण बात सुनने को मिलेगी। विवाह ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के साथ कर दिया अहिल्या का, लेकिन इंद्र के मस्तिष्क से वो बात हटी नहीं। और इंद्र ने एक दिन ऐसा छल किया कि आश्रम में आकर के ऐसा वातावरण किया कि भ्रमित कर दिया गौतम ऋषि को और अहिल्या जी को प्रभावित किया। और जब अहिल्या जी को प्रभावित किया तो अहिल्या जी मौन हो गई। इसका मतलब है कि मौन होने का मतलब है विरोध दर्ज नहीं कराया। भगवान की लीला, गौतम ऋषि आए और गौतम ऋषि ने जैसे ही देखा तो एकदम आंखें लाल, इंद्र को देखा, अहिल्या को देखा, दोनों को देख करके श्रापित कर दिया। श्राप अलग अलग प्रकार का है। अहिल्या से कहा मैं श्रापित करता हूं तुझे, तू पत्थर हो जा। और इंद्र से कहा कि तू सहस्त्र योनिज हो जा। जैसे ही सहस्त्र योनिज का अर्थ है कि रोगी बनना, रोम रोम में रक्त श्राव, समझ रहे हो कि नहीं, रोगी हो गया हो। सहस्त्र योनिज हो जा, मैं तुझे श्रापित करता हूं तू पत्थर हो जा, अहिल्या से कहा। अहिल्या पत्थर हो गई और इंद्र जो है उसके रोम रोम से रक्त श्राव होने लगा, रोगी हो गया। इसका मतलब है कि जो भोगी होता है वो रोगी होता है। रोग उसके पीछे पीछे ही घूमता रहता है और फिर उस पर हावी हो जाता है, आक्रमण कर देता है उसके ऊपर। आज इंद्र रोगी हो गया साहब। लेकिन प्रश्न हुआ एक, क्या प्रश्न है? कि श्राप एक जैसा होना चाहिए था, जब एक ही दोष है, एक जैसा दोष है तो श्राप भी एक जैसा होना चाहिए था, या तो दोनों को रोगी बना देते या दोनों को पत्थर। अहिल्या को तो पत्थर, पत्थर का मतलब होता है अचल और रोगी का मतलब होता है सचल। क्यों भाई, जिसके रोग आता है वो व्यक्ति भागता है कि नहीं भागता है उपचार के लिए, और जो पत्थर हो जाता है वो स्थिर हो जाता है, अचल हो जाता है। तो अहिल्या को श्राप दिया वो पत्थर हो गई अचल, और इंद्र को श्राप दिया तू रोगी हो जा वो भागता फिर रहा है। अरे दोनों को ही पत्थर बना देते तो इंद्र अचल अहिल्या अचल और दोनों पत्थर, तो कम से कम इंद्रासन प्रभावित तो होता, होता कि नहीं होता बोलो। जब पत्थर बन जाता तो इंद्र लोक के सिंहासन पे पत्थर को बिठा लेते, पत्थर धर देते क्या वहां? कम से कम इंद्र का सिंहासन खाली रहता तो दूसरे को लाभ मिलता कि नहीं मिलता? लेकिन रोगी बन गया वो तो चला गया सीधा, सिंहासन तो उसको मिल ही गया, सिंहासन से दूर कहां हुआ। वाह, अलग अलग श्राप इसलिए मिला कि इंद्र जो है भोगी है इसलिए उसे रोगी वाला श्राप दे दिया। अहिल्या को पत्थर इसलिए बनाया क्योंकि ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा बुद्धि का देवता है, और अहिल्या भी बुद्धि की प्रतीकमान मूर्ति है। जब हमारी बुद्धि वासना पर आकर्षित होती है तो बुद्धि पाषाणवत हो जाती है, जड़ हो जाती है, हो जाती है कि नहीं? जैसे कोई व्यक्ति अगर गलत काम करे तो लोग कहते हैं इसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया, अब इसको समझाना बेकार है क्योंकि बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है, अब इसको समझाना नहीं चाहिए। अहिल्या वासना पर आकर्षित हुई तो जड़ता आ गई जीवन में, आ गई कि नहीं आ गई? वासना से बुद्धि में जड़ता आ जाती है। इंसान चलता फिरता रहता है, बोलता भी है लेकिन वो जड़वत होता है। कैसा होता है? जड़वत, अस्तित्वहीन। इसलिए बुद्धि को पत्थर बना दिया। इंद्र चला गया,
गौतम ऋषि ने आश्रम छोड़ दिया, लेकिन प्यारे एक काम अहिल्या जी ने बहुत अच्छा किया। अब सुन लो माताओं, ये तुम्हारे पक्ष की बात कर रहा हूं। अहिल्या जी ने एक काम बहुत अच्छा किया, क्या? कि जब गौतम ऋषि श्राप दे रहे थे तो अहिल्या जी उस श्राप को स्वीकार कर रही थी। मतलब गलती करो तो गलती को स्वीकार करो, इससे गलती माफ हो जाती है। गलती करने के बाद जो गलती को स्वीकार कर ले उस गलती को दोहरावे ना। तो बोलो भाई, अगर उसको गलती को दोहराया नहीं जा रहा है तो फिर माफ करने के लायक है कि नहीं? हो, उसे माफ करना ही चाहिए। परमात्मा तो कर देता है माफ। जब परमात्मा कर देता है तो तुम लोग परमात्मा से बड़े हो क्या? ये बताओ। महाजनो एन गता सपन्था महापुरुष जिस